अगर आप एक पतले बंदे हो तो इफ यू आर ए थिन बॉय तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पतला दिखना ही नहीं है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूं अमन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दिस मेक यू ऑसम। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कलर सिलेक्शन। जी हाँ, जब बात आती है कलर सिलेक्शन की तो आपको यहाँ प्रायोरिटी देना है लाइटर कलर को देन डार्कर कलर। बेसिकली होता क्या है, जब आप डार्क कलर पहनते हो तो लाइट डार्कर कलर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, तो सामने वाले को आप ज़्यादा पतले लगते हो। और अगर आप यहाँ लाइटर कलर पहनोगे तो लाइटर कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे आप सामने वाले बंदे को ज़्यादा हेल्दियर दिखोगे। सो लाइटर कलर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो सेकंड पॉइंट आता है लेयरिंग। अगर आप एक पतले बंदे हो तो लेयरिंग होंगे आपके सबसे जिगरी दोस्त। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ, जब आप लेयरिंग करते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी में एक बल्कनेस क्रिएट होता है, जिससे आप ज्यादा हेल्दियर लगते हो। सो लेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गर्मियाँ आने वाली है, फिर भी आपके पास यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि डेनिम, बॉम्बर, फ्लोरल, फ्लैनल। बस आपको एक अंडर टी शर्ट पहनना है और आपकी किलर लुक हो जाएगी रेडी। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज अंडर सॉलिड कलर की टी शर्ट पहनना है, ना कि एक ग्राफिक टी शर्ट। सो थर्ड पॉइंट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल फैक्टर। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और ये हो गया हमारा वर्टिकल। अगर आप एक पतले बंदे हो तो आपकी खुद की बॉडी एक वर्टिकल एलिमेंट है, ऊपर से अगर आप वर्टिकल स्टेप पहनोगे तो आपकी बॉडी और भी ज़्यादा पतली दिखेगी। सो आपको वर्टिकल एलिमेंट निकालना है और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऐड करना है। ठीक वैसे ही अगर आप कोई टी शर्ट पहन रहे हो तो आपको वी नेक टी शर्ट नहीं पहनना, इससे आपका वर्टिकल एलिमेंट इंक्रीज होता है। आपको क्रू नेक टी शर्ट पहनने चाहिए, जैसे कि राउंड नेक या फिर पोलोस। तो जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको कुछ ऐसे पैटर्न या डिज़ाइन चूज करने चाहिए जिससे आप ज़्यादा बल्कि दिखो। तो ये कुछ पॉइंट हो गए अपर बॉडी के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं नीचे के बारे में। सो आजकल जितने भी पतले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, स्लिम फिट जीन्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे होता क्या है, आपकी लेग्स पहले से ज़्यादा स्लिम रहती है, ऊपर से अगर आपने स्लिम फिट जीन्स पहन लिया तो वो आपके लेग को हक करके रखती है, इससे आपके पतले लेग्स और भी ज़्यादा एनहांस होते हैं। सो गो फॉर स्लिम फिट जीन्स। अब इसका मतलब वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा लूज भी। तो फिफ्थ पॉइंट है वेयरिंग शॉर्ट्स अंडर योर पैंट्स। सो आप जब भी कोई जीन्स या पैंट पहन रहे हो तो आपको उसके अंदर शॉर्ट्स पहनना है, इससे आपका हिप एरिया ज़्यादा स्ट्रक्चर लगेगा। सो जितने भी मेरे पतले भाई है तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट है एक्सेसरीज। जब बात आती है एक्सेसरीज की तो आपको यहाँ ज़्यादा बल्कि मॉन्स्टर वॉचेस या फिर फ्रेम्स नहीं पहनने, क्योंकि ये आपकी बॉडी ऑर्डर पर शूट नहीं करती। तो आपको ऐसे एक्सेसरीज चूज करने चाहिए जो आपके ओवरऑल बॉडी के साथ मैच करे। सो ये थी कुछ फैशन हैक्स फॉर स्किनी गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दे दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे टैली स्टे हेल्दी। सो ये बात हो गई अपर बॉडी के बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं नीचे के बारे में। सो जितने भी मेरे पतले भाई है उस तो फाइनल पॉइंट आता है एक्सेसरीज की। भाई चला गया। जब बात आती है एक्सेसरीज की तो सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट है एक्सेसरीज। जब बात आती है एक्सेसरीज की तेरी का